नमस्कार सभी साथियों को। वीडियो में सामने आप दो ट्रैक्टर देख सकते हैं, दोनों प्रीत कंपनी के हैं। एक है प्रीत 6049, जो कि काफ़ी पुराना और फेमस मॉडल है। यह है प्रीत 6049 और इसके साथ में जो खड़ा है वो है प्रीत 6549। ये नई शो में आ गए हैं और इसका नाम दिया गया है सुपर 6049 या 6549, सुपर इसके आगे लगा दिया है। और इसका मतलब है कि लो हाई मीडियम तीनों स्पीड के अंदर ये ट्रैक्टर आ गया है, जो कि काफ़ी सारे किसानों की डिमांड भी थी इन ट्रैक्टर्स को लेकर। दोनों साथ में इकड़े हैं, 6549 भी और 6049 भी। 6049 4x2 में है और 6549 वो 4x4 में है। तो मेनली हम बात करेंगे इस 6549 4x4 की, और दोनों में आता है ये, 4x2 में भी आता है, 4x4 में भी आता है, और ऐसे ये 6049 है 4x2 में भी आता है, 4x4 में भी आता है। 4x2 है उसके अंदर बहुत सारा वेट लगा हुआ नहीं आता, लेकिन 4x4 है उसके अंदर कंपनी फिटेड बहुत सारा वेट लगा हुआ आता है। तो इसका बम्पर है 50-60 किलो का ये है, और इसके आगे चार प्लेट लगाई गई हैं। और प्लेट का अगर हम वेट देखें तो है, एक का है 20 किलो वेट, तो चार प्लेटें आगे की तरफ हो गई हैं। और वही जो इसके हेडलैम्प आते हैं रेगुलर वाले, वही हैं, ऐसे ही इसमें आते हैं, ऐसे ही इसमें आते हैं, और चाबी से ही इसका बोनट है वो खुलता है। और बोनट की हाइट खुलने के बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कोई भी मेंटेनेंस अगर हमें इसके अंदर करना हो, डेली की झाड़ा पोछी कुछ भी करनी हो, तो बड़ी आसानी से इसके बोनट को खोल के उसके अंदर घुस के हम और आसानी से इसका डेली मेंटेनेंस हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ट्रैक्टर के अंदर ना बहुत सारे सुराग छोड़ रखे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना। अगर हमें भविष्य में इसके ऊपर कोई भी लोडर वगैरह इसके ऊपर सेट करवाना हो, तो बड़ी आसानी से हम करवा सकते हैं, और वो बहुत अच्छे से फिट भी हो जाएगा। बहुत सारे ट्रैक्टर में देखा है कि इस तरह कोई जगह नहीं दी जाती है, लेकिन इसके अंदर ये कंपनी फिटेड ये चीज़ें ऑलरेडी हैं, पीछे तक ये दी गई हैं। अगर अगले टायर साइज़ की बात करें तो 9/5/24 का है वो अगला टायर है, 9/5/24 उधर है, BKT का टायर आता है। काफ़ी भारी भरकम इसका एक्सल दिया गया है, आप जो एक्सल है वो देख सकते हैं जिस तरह का इसका एक्सल है, ये देखिए। और डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग इसका दिया गया है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो शाफ्ट है ना वो बॉडी के बाहर दी गई है। अगर बॉडी के अंदर हो जाती तो ये लगा लो कि ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस हो जाती, और नीचे से इसको कवर करने के लिए भी एक अलग से फट्टी है वो दी गई है, इसलिए इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी और कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर अड़ेगी, एकदम ठीक ठाक है जितनी होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी सेल्फ स्टार्ट वगैरह ये हो गए, यहाँ पे इसके इसके जो पंप है वो हो गए, अल्टीनेटर हो गया, अंदर की तरफ रेडिएटर है, और बैटरी जो बाहर ही आती है प्रीत कंपनी के सभी ट्रैक्टर में, तो इसमें बाहर ही दी गई है। पिछले टायर का साइज़ है वो है 16/9/28 का, BKT का पिछला टायर है, और पीछे की तरफ एक भारी भरकम मिरर दिया गया है, भारी भरकम बोल देंगे या एक बड़े साइज़ का यूनिक साइज़ का बोल देंगे। ड्राइविंग सीट पे बैठ के हम पीछे की चीज़ें वो देख सकते हैं। वही रेगुलर जो इनका साइलेंसर आता है वही इसके ऊपर साइलेंसर दिया गया है। इनका जो कलर है ना वो बहुत ही प्यारा लगता है, काफ़ी दूर से ही हमें पता लग जाता है कि हाँ प्रीत कंपनी का ट्रैक्टर है। अगर हमारे गांव में कहीं खेतों में ये ट्रैक्टर चल रहा हो तो हम देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस किसान का ये ट्रैक्टर है, क्योंकि गिने चुने ट्रैक्टर होते हैं। 4 सिलेंडर बोस कंपनी का इनलाइन पंप दिया गया है, 4 सिलेंडरी ट्रैक्टर है ये, और 65 HP की पावर जनरेट करता है इसका इंजन है, जो काफ़ी भारी भरकम सिस्टम इसका दिया गया है। और 4x4 शाफ्ट आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अलग से ही ये दिख रही है, यहाँ से भी और इधर से भी देखिए, और दोनों तरफ इसका पावर स्टेयरिंग जो हो गया डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग, इसके जितने फिल्टर हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं।
और इसकी जो टंकी है ना वो और भी बड़ी बना दी गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये नीचे तक आई हुई है और इसको कवर भी किया गया है, और जो शो है इसकी वो लोहे में भी है, लोहे में ही है, फाइबर में अभी नहीं है ये। और ऊपर चढ़ने के लिए एक फुट स्टेप इसका दिया गया है। काफ़ी भारी भरकम ट्रैक्टर है, थोड़ा सा यूँ लगता है कि ये चीज़ की कमी है इसके अंदर, इसका जो पायदान है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, सुविधाजनक होना चाहिए था। और इसके ऊपर हम बैठ जाते हैं, और अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की तो काफ़ी ठीक ठाक सा इसका कंफर्ट है। जो क्लच हैं, ब्रेक हैं, वो ऐसे लगता नहीं है कि भैया ऐसे कोई बिचा बिचा सा फील हो रहा है हमें। और एक इसका जो लो आई मीडियम वाला ये जो गियर लीवर है ये इस तरफ दिया गया है, अगर इसको लो में लेके आते हैं तो सबसे ऊपर आ जाता है, मीडियम बीच में, और हाई सबसे नीचे, और बीच में दोनों के न्यूट्रल ये दिया गया है। देखिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ये जब हाई में चला जाता है तो थोड़ा सा ये नीचे चला जाता है, हमारे हाथ की पहुंच में ये नहीं रहता है। और अगर बात करें इस गियर लीवर की तो ये हमारे हाथ की रीच में ही है, मतलब यूँ लगता है कि हाँ भैया कोई तरह की हमें समस्या है वो नहीं होने वाली है। गियर चेंज करते टाइम ये हो गए इसके लिफ्टों को कंट्रोल करने के लिए। और पीछे आप ये एक लीवर देख रहे होंगे जो ये है, अगर हम पीछे खड़े हैं ना तो वहीं से ही हम इसकी जो लिफ्ट है ना उनको कंट्रोल कर सकते हैं पीछे खड़े होके। कोई भी इम्प्लीमेंट वगैरह हम जोड़ रहे हों, अगर अकेले बंदे हों तो पहले आगे आना पड़ता था लिफ्टों को कंट्रोल करने के लिए, अभी हम पीछे से ही इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये दो डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं, कंपनी फिटेड आते हैं, इसकी लिंकें वगैरह हैं वो भी काफ़ी भारी भरकम दी गई हैं। और ये है पीछे की तरफ एक लाइट, अक्सर देखा होगा यहाँ पे जो डंडा होता है उसके ऊपर ये होते हैं लाइट वगैरह, लेकिन इसमें पायदान पे ही दी गई है, मतलब मडगार्ड के ऊपर दी गई है। और जो इसकी सीट की लंबाई है ना, इतनी लंबाई आपने पहले शायद किसी भी ट्रैक्टर के अंदर नहीं देखी होगी। मेरा पूरा बड़ा हाथ है, अगर मैं नाप के दिखाऊँ, 1, 2, 3, 4 बिलांद है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 4 फिट की ही है ये, उससे भी कुछ ना कुछ लंबी है, क्योंकि 4 बिलांद यहाँ तक बने हैं और पीछे भी हमने यहीं से ही शुरू किया है। तो 4 फिट की ये सीट है इसकी, जिसपे 3 बंदे एक साइड बड़े आराम से बैठ सकते हैं, और ऐसा ही सिस्टम है इसके। बस एक कमी है, जो इसके ऊपर सीटें नहीं देगी, अगर वो और कंपनी देने लग जाए ना, पहले देती थी सभी में, आजकल पता नहीं क्यों बंद कर दी, कॉस्ट कटिंग कर दी लगता है, अगर वो चीज़ें और होती ना इसके ऊपर तो मज़ा ही आ जाता भाई साहब। और ऐसा कुछ लुक हमें देखने को मिलता है, भारी भरकम सी शो है, और ट्रैक्टर के ऊपर बैठते हैं तो फील होता है कि हाँ किसी अच्छी कंपनी के या एक अच्छे ट्रैक्टर के ऊपर हम बैठे हुए हैं। ये होगी इसकी हैंड रे, हाथ वाली रेस। ये होगा इसका डैशबोर्ड, जिसके ऊपर कई तरह की हमें इंडिकेशन देखने को मिल जाती है, जैसे ये हो गया फ्यूल के लिए, और ये होगा इसके इंजन प्रेशर के लिए, शायद ऑयल के लिए, ये टेम्परेचर के लिए, ये बैटरी के लिए, ये होगा इसका RPM मीटर, और ये होगा इसका आवर मीटर, जिसके ऊपर 9 घंटे और 7 मिनट ये चल गया है अभी तक। अगर बैटरी में कोई दिक्कत आ जाती है तो यहाँ पे भी एक इंडिकेशन हमें मिल जाती है। और इधर ये हो गया इसके इंडिकेटर के लिए, ये लाइट के लिए, लो आई बीम के लिए, यहाँ पे लाइट के कंट्रोल हो गए, यहाँ पे ऑफ, अच्छा लो आई, हाई बीम, लो बीम के लिए यहाँ पे है कंट्रोल, ये तो वैसे इंडिकेशन है यहाँ पे, इधर देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑरन दिया गया है, ये इसका इंडिकेटर के लिए हो गया। ये होगी इसकी चाबी, ना, और ऐसी कुछ इसकी चाबी है, 2 होगी स्विच के लिए और 2 चाबी होगी इधर इसके फ्यूल टैंक को खोलने के लिए। ये हो गया इसका हैंड ब्रेक, हमें इसको दबाना होगा और फिर इसको खींचेंगे तो ये ऐसे रुक जाएगा।
अगर इस ट्रैक्टर की कीमत की बात करें ना, तो ये ट्रैक्टर हरियाणा के अंदर लगभग 9.25 लाख रुपए का हमें देखने को मिलता है। कीमत है उसकी, हो सकता है मैं जानकारी थोड़ी कम हो, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतनी ही होती है। और आपके एरिया में हो सकता है ये ऊपर भी हो जाए, हो सकता है नीचे भी हो जाए। और उससे कम कीमत में जो 6049/2 है वो और भी कम कीमत में आता है, 7,80,000 के लगभग इसकी कीमत रखी गई है। और ये है प्रीत कंपनी की एजेंसी के जो इनका गोडाउन है, वहाँ पे कई सारे ट्रैक्टर वो खड़े हुए हैं, जैसे 4W-6549 एक और है, ये 4549 है, ये 6049 है, और इधर देखे तो 6049/4 में है ये। उसी की तरह फीचर हैं जो मेल खाते हुए हैं, लुक है वो भी इसी तरह की है, इसी तरह का इसके आगे भी भारी भरकम बम्पर और वेट दिया गया है। वही टायर साइज है 9524 का अगला और 16928 का पिछला टायर साइज है। मोस्टली चीज़ें वो सब सेम हैं बिल्कुल। और वही इसके अंदर 3 सिलेंडरी, एक ये फर्क इसके अंदर बहुत बड़ा आ गया, पहले जो 6049 था वो 4 सिलेंडरी आता था, लेकिन ये 3 सिलेंडरी में है। ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं बोश कंपनी का इनलाइन पंप है, एवरेज है वो इस ट्रैक्टर की काफ़ी मात्रा में सुधर गई होगी जरूर न जरूर। और मोस्टली चीज़ें सेम ही हैं, अगर पीछे से दिखाएं इस ट्रैक्टर को तो कुछ इस तरह की इसकी लिंकेज वगैरह हैं वो दी गई हैं, ये जिसको फट्टी बोलते हैं बहुत सारे किसान, कोई लिफ्ट का डंडा इसको बोल देता है लोकल लैंग्वेज में, यहाँ पे पिन वगैरह टांगने के लिए। और ये है वो जिसको हम लिफ्ट वगैरह हैं वो अपने पीछे से ही कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने नीचे कर दिया बिल्कुल, तो ये लिफ्ट है ये नीचे जा रही है, ये आप देखिए। तो फिर हम इसको ना पीछे से खड़े होके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर कर दिया नीचे कर दिया, और ये लीवर हो गया इसके डंपर वगैरह को उठाना हो नीचे डालना हो उसके लिए हो गया। कंपनी फिटेड आता है, सबसे अच्छी बात यही है। और इनकी जो मेन एजेंसी है जज्जर वालों की, एक बार वो और मैं आपको दिखा देता हूँ, महावीर इंजीनियरिंग वर्क्स सेल्स और सर्विस स्पेयर्स प्रीत, बाकी चलो एक बार वहाँ मेन पे और लेके चलता हूँ अभी आपको। ये है इनकी जो एजेंसी है वो, अगर लोकेशन की बात करें तो ये है मेन जो अपना तलाव रोड इसको बोलेंगे, या फिर तहसील मोड़ जिसको बोलेंगे, ओल्ड तहसील मोड़, उसी के सामने ही है, इस मोड़ के ऊपर ही। यहाँ पे एक ऑरेंज कलर वाला 6549 खड़ा है, ये वाला कलर आजकल कंपनी ने बंद कर दिया है, हो सकता है किसानों ने इसको कम पसंद किया हो या फिर कंपनी वाला को ये कम पसंद आया हो, मेन रीज़न है वो पता नहीं, लेकिन आजकल ये बंद कर दिया है इस कलर के अंदर। ये 6549 टू व्हील ड्राइव में 9555/4549 सुपर 6549/4 इस तरह के मॉडल यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी है आपकी तो ये है इनका मोबाइल नंबर, और प्रीत वही महावीर इंजीनियरिंग वर्क्स गवाड़ीसन रोड जज्जर, मोबाइल नंबर ये है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय जवान जय किसान।